चंडीगढ़ में पिछले दिनों 20,000 लीटर पानी के मुद्दे को लेकर हालांकि सियासत काफी गरमाई गई थी, लेकिन 5% पानी के बिल में और बढ़ोतरी की गई, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस की तरफ से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। बनवारी लाल पुरोहित जो चंडीगढ़ के प्रशासक हैं, पंजाब के गवर्नर हैं, उनको भी प्रपोजल के बारे में जो है वो जानकारी देने की कोशिश की, और इसी एवज में आज अपॉइंटमेंट भी ली गई थी चंडीगढ़ के मेयर द्वारा, और जो चंडीगढ़ के प्रशासक हैं बनवारी लाल पुरोहित, उनसे आज मीटिंग रखी गई थी। मीटिंग में क्या रहा, किस तरह की चीजें हुई, हमारे साथ चंडीगढ़ के मेयर कुलदीप कुमार हैं। मेयर साहब, क्योंकि लगातार आपकी तरफ से हाउस में भी लाया गया था 20,000 लीटर पानी का मुद्दा, जो आपका एजेंडा था, जो लोगों से वायदा किया था, लेकिन 5% जो टैरिफ है, जो पॉलिसी के हिसाब से, वो बढ़ गया। आज आपकी अपॉइंटमेंट थी चंडीगढ़ के प्रशासक को लेकर, किस तरह की मीटिंग रही? देखिए सर, जैसा कि मैं आपको बताऊं तो हमने गवर्नर साहब से टाइम मांगा था, वो मेरे पिता समान है। मैं चाह रहा था कि अपने जो रिलेशन जो हमारे पिछले टाइम में कुछ टाइम में खराब हुए हैं, उन्हें थोड़ा सा ठीक किया जाए, उसके लिए ही मैं उनसे आशीर्वाद लेने भी गया था। और साथ में ही कुछ मुद्दे थे जो चंडीगढ़ के, उन पे भी बात करना चाह रहा था कि जैसे हमारा 5% आपने बताया कि पानी का जो बढ़ा दिया गया है, दूसरा 20,000 लीटर पानी हमने जो हाउस में पास हुआ था उसके बारे में बात करना चाहता था। पता नहीं किस कारणवश हमें जो आज हमारी जो मीटिंग थी वो गवर्नर साहब ने मना कर दिया अपॉइंटमेंट करने से, कि भी आज मैं बिजी हूं या क्या कारण रहे होंगे तो वही बता सकते हैं, परंतु मैं आज गया था तो आज इस बारे में कोई बात हो नहीं सकी। तो क्या लगता है आपको, क्योंकि पिछले दिनों हालांकि आपने भी प्रपोजल को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पूरा प्रपोजल बताया था, लेकिन उससे पहले चंडीगढ़ के प्रशासक साफ तौर पर मना कर चुके हैं, तो कह सकते हैं कि आज की जो मीटिंग कोशिश की थी आपने आपकी तरफ से? बिल्कुल, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी चंडीगढ़ की जनता के हित के हम कौन से काम कर सकते हैं। इस कुछ और भी मुद्दे थे जो मैं जिनके बारे में डिस्कस करना चाहता था गवर्नर साहब से, क्योंकि देखिए आज मैं एक एज ए कुलदीप कुमार नहीं, एज ए मेयर के नाते मिलने गया था, और चंडीगढ़ की जो भी समस्याएं थी उनसे थोड़ा सा मिल भी लेता, आशीर्वाद लेकर थोड़े से कुछ बातें डिस्कस भी करनी थी। बिल्कुल, तो परंतु कहीं ना कहीं शायद गवर्नर साहब के पास समय का अभाव लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, हम उनके गेट तक गए और हमें लास्ट में जाके में मना कर दिया गया कि साहब अभी नहीं मिल सकते, आपको बाद में टाइम बता दिया जाएगा। मेयर साहब, क्योंकि गवर्नर साहब पहले ही मना कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इन चीजों पर हालांकि सियासत जो है वो गरमा रही है? बिल्कुल, देखिए गवर्नर साहब का, देखिए मेरे पिता तुल्य हैं वो, मैं उनके बारे में तो कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं चंडीगढ़ के हित के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। मैं चाहूंगा कि गवर्नर साहब इसमें थोड़ा सा हम एक बार ब्रीफ भी करना चाहते हैं, होम सेक्रेटरी साहब से भी हमने रिक्वेस्ट लगाई थी कि वो भी थोड़ा बिजी चल रहे हैं, अभी नहीं मिल पाए, तो हमने गवर्नर साहब से टाइम लिया था परंतु वो भी नहीं मिल पाए, लेकिन हम चाहते हैं कि हमसे बैठ के एक बार बात करें और हम चंडीगढ़ के हित की बात करें, चंडीगढ़ के लोगों के हित की बात करें, जिससे चंडीगढ़ के लोगों के ऊपर जो अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है उसे कम किया जाए। मेरे साहब, किस तरह से फिर सुविधाएं लोगों को मिलेगी, या फिर जो आपने प्लान बनाया है, जो रोड मैप आपने तैयार किया है, वो किस तरह से होगा? क्योंकि जैसे पहले भी बात हुई कि गवर्नर साहब मना कर चुके हैं, फ्री जो है वो नहीं दिए जाएंगे, उन्होंने कहा कि साफ तौर पे लोगों ने मांगे ही नहीं तो क्यों दी जा रही है। दूसरा, टैरिफ प्लान को लेकर वो कह रहे हैं कि पॉलिसी ऑलरेडी बनी हुई है तो वो उसमें चेंज नहीं हो सकता। देखिए, हम बार बार कोशिश करेंगे कि गवर्नर साहब से टाइम लेके, होम सेक्रेटरी साहब से टाइम लेके, एडवाइजर साहब से टाइम लेके कि हम बताएं कि जो चीजें हमें फेस करनी पड़ी है, कि देखिए जनप्रतिनिधि होने के नाते पब्लिक के बीच में जाना पड़ते हैं, उनकी समस्याएं सुननी पड़ती हैं। अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कुछ एनजीओ जो है हमारी सुकना लेक पे प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमें 24 घंटे पानी नहीं चाहिए, हमें सुबह शाम अगर 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम या प्रॉपरली तरीके से पानी दे दिया जाए तो वो ही बहुत है। अब पानी हम प्रॉपरली दे नहीं पा रहे तो उसके बाद हम कह रहे हैं जी हम 24 घंटे पानी देंगे, तो क्या वो वेस्टेज ज्यादा नहीं होगी? बिल्कुल, मैं गवर्नर साहब से यही तो बात करना चाह रहा हूँ कि सर अगर हम 24 घंटे पानी कर देते हैं तो पानी की वेस्टेज ज्यादा बढ़ जाएगी। एक तरफ तो हमें बताया जा रहा है आंकड़ों के हिसाब से कि जो चंडीगढ़ का भूजल स्तर है बहुत निचले स्तर पर चला गया है, तो हमें उससे पानी नहीं दूर लेना चाहिए। दूसरा, हम 24 घंटे पानी कर देंगे तो कहीं ना कहीं वो भी पानी की बर्बादी होगी, वो भी पीने के पानी की। बिल्कुल, तो मैं चाह रहा था कि हम इसे कंट्रोल करें और लोगों को एक सीमित में रहने का आदत डालने कि हम एक 20,000 लीटर के चक्कर में बहुत से लोग सेविंग करना स्टार्ट कर देंगे कि हमारा 20,000 ऊपर से लीटर से
बिल आना स्टार्ट हो जाएगा, तो कम से कम पानी आपको लगता है क्योंकि प्रपोजल जैसे तैयार किया है आपने, जैसे पिछली बारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था आपने? बिल्कुल, प्रपोजल हमने सारा तैयार किया है, प्लान भी बताने के लिए तैयार है, पूरा ब्लूप्रिंट बनाया हुआ है। हम चाह रहे हैं कि गवर्नर साहब एक बार बैठ के हमसे बात करें और हम पब्लिक का भला कर सकें। लेकिन कुलदीप जी, अपॉइंटमेंट मिल चुकी थी तो एंड टाइम पर, लास्ट टाइम पे क्या हुआ इसमें? जो मुझे बताया गया तो गवर्नर साहब कह रहे हैं जी मुझे तो सिंपली आपने मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ली थी और आप, मैं पानी के मुद्दे पे जो मैं उन्होंने अखबार में शायद हिंदुस्तान टाइम्स में लगी उसको लेकर उन्हें शायद गुस्सा आ गया, तो कह रहे जी आपने पानी के मुद्दे पे मैं बात ही नहीं करना चाहता, तो शायद उन्होंने इसलिए अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी। ठीक है, तो बिल्कुल, हालांकि चंडीगढ़ के मेयर साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो पानी हो, बेसिक एम्यूनिटीज जो है, उस पर लगातार हम काम कर रहे हैं और कोशिश हम करेंगे कि जो टैरिफ जो बड़े हैं 5% उसको किस तरह से रिलीफ किया जाए, जो 20,000 लीटर फ्री पानी की बात की जा रही है वो लोगों तक किस तरह मुहैया कराया जाए, बहुत सारी चीजें हैं हम डिस्कस करना चाहते हैं, प्रपोजल हमारे पास है लेकिन चंडीगढ़ के प्रशासक के पास समय नहीं है, होम सेक्रेटरी काफी बिजी चल रहे हैं। हालांकि कोशिश जरूर जारी रहेगी कि आने वाले समय में उनसे मिले, उनको अपनी बात जो है वो उनके सामने रख जाए। चंडीगढ़ से कैमरामैन सुखजिंदर सिंह के साथ मनोज राठी, न्यूज 18।